राधे राधे। मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज अमावस्या के दिन मैं आपके लिए लाए हूँ गर्भ गीता। बंधुओं, अमावस्या के दिन गर्भ गीता सुनने मात्र से भगवान श्री विष्णु जी की आप पर अपार कृपा होगी, आपकी हर इच्छा पूरी होगी। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनें, सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान जरूर लिखें। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। भगवान श्री कृष्ण का वचन है कि जो प्राणी इस गर्भ गीता का विचार करता है, गर्भ गीता को सुनता है, वह फिर गर्भवास में नहीं आता। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, यह प्राणी जो गर्भ योनि में आता है, वह किस दोष के कारण आता है? हे प्रभु, जब यह जन्मता है तब इसको जरा अधिक रोग लगते हैं, संसार में आकर दुख भोगता है, बुढ़ापे के कष्ट सहता है, फिर मृत्यु होती है। हे स्वामी, वह कौन से कर्म है जिनके करने से प्राणी जन्म मरण से छूट जाता है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, यह जो मनुष्य है यह अंधा व मूर्ख है। जो संसार के साथ प्रीति करता है वह पदार्थ मैंने पाया है और पाऊंगा, ऐसी चिंता इस प्राणी के मन से उतरती नहीं। आठों पहर माया के जाल में फंसा रहता है, इसीलिए बारंबार जन्मता व मरता है, गर्भवास के दुख पाता है। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण भगवान, मन मदमस्त हाथी की भांति है और तृष्णा इसकी शक्ति है। यह मन पांच के वश में है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और इन पांचों में भी अहंकार सबसे बली है। अतः प्राणी को कौन से यत्न करने चाहिए जिनसे मन वश में ही रहे? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, यह मन निश्चय हाथी की भांति है, तृष्णा इसकी शक्ति है, मन पांच के वश में है, अहंकार इनमें श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जैसे हाथी अंकुश से वश में होता है, वैसे ही मन रूपी हाथी को वश में करने को ज्ञान रूपी अंकुश कहते हैं। अहंकार करने से जीवन नरक में पड़ता है। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण भगवान, कुछ तुम्हारे नाम के लिए वन खंडों में फिरते हैं, कुछ वैरागी हुए डोलते हैं, कुछ धर्म करते हैं, अतः इस विषय में कैसे पता चले कि जो वैष्णव है वे कौन है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो मेरे नाम के लिए वनों में फिरते हैं वे सन्यासी कहलाते हैं, वे सिर पर जटा बांधते हैं, भस्म लगाते हैं, इनमें भक्ति व प्रेम नहीं है, वे अहंकार से ग्रस्त हैं, उनके लिए मेरा दर्शन दुर्लभ है। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण भगवान, वह कौन सा पाप है जिसके कारण किसी की स्त्री असमय मर जाती है, पुत्र मर जाते हैं, और किस पाप के कारण व्यक्ति नपुंसक हो जाता है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो किसी से कर्ज लेता है मगर देता नहीं, इस पाप से उसकी स्त्री मरती है। जो किसी की धरोहर को नहीं लौटाते उसके पुत्र मरते हैं। जो किसी की सहायता करने का वचन देकर भी समय पर सहायता ना करें वह नपुंसक होता है, ये बड़े पाप हैं। अर्जुन बोले, हे कृपा निधान, किस पाप के कारण मनुष्य सदा रोगी रहता है, किस पाप के कारण गधे का जन्म पाता है, स्त्री तथा टट्टू का जन्म प्राणी को किस पाप से प्राप्त होता है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो मनुष्य कन्या दान का मूल्य लेते हैं, पुत्री को बेच देते हैं, वे सदा रोगी रहते हैं। जो विषय विकार के लिए मदिरा पान करते हैं वे टट्टू का जन्म पाते हैं, जो झूठी गवाही देते हैं वे स्त्री का जन्म पाते हैं, जो रसोई बनाकर पहले स्वयं खा लेते हैं बाद में परमेश्वर अर्थ दान करते हैं वे बिल्ली और स्त्री का जन्म पाते हैं, जो मनुष्य झूठी वस्तु दान करते हैं वे भी स्त्री का जन्म पाते हैं। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण भगवान, इस संसार में जिन मनुष्यों को आपने धन धान्य दिया है उन्होंने कौन सा पुण्य किया है, और जिन मनुष्यों को आपने उत्तम वाहन दिए
उन्होंने कौन से पुण्य किए? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिन्होंने स्वर्ण दान किया है उनको उत्तम वाहन मिलते हैं। जो परमेश्वर निमित्त कन्या दान करते हैं वे उत्तम पुरुष का जन्म पाते हैं। अर्जुन बोले, हे भगवान, जिन पुरुषों को आपने सर्वांग सुंदर देह दी है उन्होंने कौन कौन सा पुण्य किया है? किसी के घर संपत्ति है, कोई विद्वान है, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? कोई कुरूप संपत्तिहीन और अज्ञानी क्यों है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिन्होंने अन्न दान किया है उनका स्वरूप सुंदर है, जिन्होंने विद्या दान किया वे विद्वान है, जिन्होंने संतों की सेवा की वे धनवान और पुत्रवान है। अर्जुन बोले, हे भगवान, प्राणी धन और संसारिक स्त्री सुख आदि सुखों के प्रति मोह क्यों रखता है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, यह अज्ञान है, क्योंकि धन स्त्री आदि सुख नाशवान है, केवल मेरी भक्ति का नाश नहीं होता। अर्जुन बोले, हे भगवान, राजपाट किस धर्म से मिलते हैं? विद्या कौन से धर्म से मिलती है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो प्राणी श्री काशी जी में निष्काम भक्ति से तप करते हैं, देह त्यागते हैं, वे राजा होते हैं। जो गुरु की सेवा करता है वही विद्वान होता है। अर्जुन बोले, हे भगवान, किसी व्यक्ति को धन अचानक बिना परिश्रम से मिलता है तो कोई उसे सारी उम्र एकत्र नहीं कर पाता। कुछ लोग रोग रहित होते हैं, उन्होंने कौन से पुण्य किए हैं? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिन्होंने गुप्त दान किया है उनको धन अनायास ही मिलता है। जिन्होंने परमेश्वर का कार्य और पराया कार्य संवारा है वो रोग से रहित होते हैं। अर्जुन बोले, भगवान, किस पाप के कारण प्राणी अमली होते हैं और किस पाप से कुष्ठी होते हैं? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो अपने गुरु की स्त्री से गमन करते हैं वे अमली होते हैं, और गुरु से विद्या दान पाकर जो कृतघ्न हो जाते हैं वे गूंगे होते हैं। जिन्होंने कुकर्म किए हैं वे कुष्ठी होते हैं। अर्जुन बोले, हे शिव भगवान, किसी की देह में रक्त विकार होता है, यह किस पाप के कारण होता है? कोई दरिद्री होते हैं, किसी को खंड वायु होती है, कोई अंधे होते हैं, पंगु होते हैं, यह किन पापों के परिणाम है? कुछ स्त्रियां बाल विधवा होती हैं तो किस पाप से होती हैं? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो सदा क्रोधवान रहते हैं उनको रक्त विकार होता है। जो आलस्य में डूबे रहते हैं वे दरिद्री होते हैं। जो कुकर्मी ब्राह्मण को दान देते हैं उनको खंड वायु होती है। जो प्राणी स्त्री को नंगी देखता है, गुरु की स्त्री पर कुदृष्टि डालता है, जिसने गो ब्राह्मण को लात मारी है सो अंधा व पंगु होता है। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर प्राय पुरुषों से संग करती है वह बाल विधवा होती है। अर्जुन बोले, भगवान, हे श्री कृष्ण, तुम पार ब्रह्म हो, तुमको मेरा नमस्कार है। पहले मैं आपको संबंधी जानता था पर अब परमेश्वर रूप जानता हूँ। हे पार ब्रह्म, गुरु दीक्षा कैसी होती है? कृपा करके मुझे बताएं। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुम धन्य हो, तुम्हारी माता भी धन्य है जिनके तुम ऐसे पुत्र हुए जिसने गुरु दीक्षा पूछी। हे अर्जुन, सारे संसार के गुरु जगन्नाथ हैं। विद्या का गुरु काशी, चारों वर्णों का गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण का गुरु सन्यासी, और सन्यासी उसको कहते हैं जो सबको त्याग कर मुझ में रम गया हो, वह ब्राह्मण जगत गुरु है। हे अर्जुन, यह बात ध्यान देकर सुनने की है। गुरु कैसा हो जिसने सब इंद्रियां जीती हो, जिसको सब संसार ईश्वर का ही रूप नजर आता हो, जिसे कोई मोह ना हो, ऐसा गुरु जो परमेश्वर को जानने वाला हो। प्राणी गुरु रूप में उसे ग्रहण करे जिसकी पूजा सब तरह से करे। हे अर्जुन, जो गुरु का भगत है सो मेरा भगत है। जो प्राणी गुरु सम्मुख होकर मेरा भजन करते हैं उनका भजन करना सफल है। जो प्राणी गुरु से विमुख हैं उनको सपत ग्राम मारे का पाप है। गुरु से विमुख प्राणी का दर्शन नहीं करना चाहिए। जो गृहस्थ गुरु से विमुख हो वह चंडाल के समान है। जिस जगह मदिरा का भांड हो उस स्थान का गंगा जल भी अपवित्र होता है। इसी तरह गुरु से विमुख का भजन भी अपवित्र होता है। उसके हाथ का भोग देवता भी नहीं लेते। उसके सर्व कर्म निष्फल है। कुकर, सूकर, गर्दभ, काक, यह सब योनियों में से सर्प की बड़ी खोटी योनि है।
इन सब से भी वह मनुष्य खोटा है जो गुरु नहीं बनाता। गुरु के बिना गति नहीं होती, गुरुहीन प्राणी अवश्य ही नरक को जाएगा। हे अर्जुन, जैसे चारों वर्णों को मेरी भक्ति करना अनिवार्य है, वैसे ही गुरु बनाकर उसकी भक्ति करनी, सेवा करनी योग्य है। जैसे सब नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है, वैसे ही हे अर्जुन, सब सेवाओं से गुरु सेवा उत्तम है। गुरु दीक्षा के बिना प्राणी पशु योनि पाता है। गुरु सेवा अश्वमेघ यज्ञ से भी अधिक फलदायी है। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण जी, गुरु दीक्षा क्या है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुम्हारा जन्म धन्य है जो तुमने ये प्रश्न किया। गुरु दीक्षा दो अक्षर है, हरि नाम। इन अक्षरों को गुरु कहता है। यह चारों वर्णों को जपना श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है वह मेरी सेवा करता है, मैं उससे प्रसन्न रहता हूँ। ऐसा मनुष्य 84 योनियों से छूट जाता है, जन्म मरण से रहित नरक नहीं भोगता। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता वह 3.5 करोड़ वर्ष तक नरक भोगता है। जो गुरु की सेवा करता है उसको कई अश्वमेघ के पुण्य का फल मिलता है। हे अर्जुन, जो प्राणी हमारे तुम्हारे संवाद को पढ़ेंगे और सुनेंगे वे गर्भ के दुख से बचेंगे। उनकी 84 योनि अर्थात जन्म मरण का चक्कर कट जाएगा। इसी कारण इस पाठ का नाम श्री गर्भ गीता है। श्री कृष्ण भगवान के मुख से इसे अर्जुन ने सुना। गुरु दीक्षा लेना उत्तम कर्म है, उसका फल यह है कि नरक की 84 से जीव बचा रहता है और भगवान प्रसन्न रहते हैं। इति श्री गर्भ गीता। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।